सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात की शुरुआत सबसे पहले करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, जिनकी तबीयत नासाज हुई, हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसके बाद उनका इलाज किया गया, फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, हुकूमत भी उनको मेडिकल सहूलियात देने के लिए पहल करती हुई दिखाई दी और कहा गया कि हम तमाम सहूलियात आपको देंगे, चाहे आपको पाकिस्तान में इलाज कराना है, पाकिस्तान से बाहर इलाज कराना है। मगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर पाकिस्तान आ गया सियासत को देखते हुए, लेकिन पाकिस्तानियों को देखते हुए अब दोबारा से बाहर जाना नहीं चाहता, मगर उनकी सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल हुई, हालात उनकी मज़ीद बिगड़ी, वाइट प्लेटलेट्स जो उनके प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी कम हुए, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि आप बाहर जा सकते हैं, तैयार खड़ा है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं या डॉक्टर्स को बाहर से बुला सकते हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, डॉक्टर्स को नहीं बुलाऊंगा। मगर उनका मुशावरती इजलास हुआ पार्टी का, उसके बाद उसमें डिसाइड किया गया कि हाँ बाहर जा सकते हैं और बाहर जाके इलाज करा सकते हैं, हमें मोहलत दी जाए। और फिर कुछ चार हफ्तों की मोहलत के हवाले से बात सामने आई कि चार हफ्ते की उन्हें मोहलत दी जाएगी, बाहर जाएं, बैरून मुल्क इलाज कराएं और इलाज करा के वापस आ जाएं। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो किसी चीज़ की गारंटी दे दें, कोई श्योरिटी दे दें, और इसी श्योरिटी के ऊपर कुछ 7 अरब या 7.5 अरब की कुछ बात छिड़ी थी। बैरिस्टर फारूक नसीम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर के साथ, उन्होंने कहा कि 7 अरब रुपए की श्योरिटी गारंटी हमें दे के जाएँ, आप वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ जा रहे हैं, उनका ज़ाती डॉक्टर जो है अदनान साहब वो भी जाना चाह रहे हैं, आप जाएं बाहर और आ जाएं, या अगर गारंटी नहीं दे सकते तो बाहर से उनका कोई बेटा यहां पर आ जाए और आके यहां बैठ जाए, जब तक वो इलाज करा के वापस आते हैं तो फिर उसके बाद जब चले जाएगा। ये बातचीत तमाम चल रही थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं गारंटी किस चीज़ की दूँ, मेरी सज़ा पहले ही मुअत्तल है, मैं बाहर जा सकता हूँ, गारंटी देने का कोई जवाब नहीं बनता। लाहौर हाईकोर्ट से उन्होंने रजू करा और अब उनकी जो दरख्वास्त है नाम ECL से निकालने के लिए, कि ECL में उनका नाम है और बाहर नहीं जा सकते, गारंटी दे दें हम जाने दे देंगे, उसी पर आज समाअत हुई और काबिल समाअत इस दरख्वास्त को कर दिया गया है। पीर तक समाअत मुलतवी की गई थी, मगर नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए कल तक ये समाअत मुलतवी की जा और कल इसकी समाअत हो, तो कल 11 बजे सुबह इसकी समाअत मुकर्रर की गई है और उस पर मजीद पेशरफ्त होगी कि आया नाम जो है वो ECL से किस तरह निकाला जाएगा और इस पर क्या पेशरफ्त होगी। दूसरी जानब मौलाना साहब जो कि 13 रोज़ इस्लामाबाद में धरना देने के बाद वहाँ से उठ चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्लान बी जो उनके मुताबिक है कि प्लान बी हमारा ये है और प्लान सी भी इसके बाद का तैयार है, मगर उनकी जो दीगर अपोजिशन जमातें उन्होंने कहा है कि हमें इन तमाम प्लान से कोई आगाह नहीं किया गया, कोई हमें इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, होगा क्या इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मुतजाकार हैं खालिद फातमी साहब, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलामु अलैकुम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, आपके तजिए से मुस्तफ़ीद होते हैं। तमाम मामला आपने भी देखा, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, उनकी तबीयत है और फिर बाहर जाने का, नाम ECL का, किस तरह देखा आपने इस तमाम मामले को? सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, अदालती हुक्म की वजह से रुका हुआ है, या इंसानी हमदर्दी के तहत जो हुकूमत अपना पहल कर रही है आगे आने के लिए कह रही है, किस तरह से देखा? देखिए, असल में अगर बहुत गौर किया जाए तो ये सारे स्लोगन्स हैं जो हम आप समझें कि आपस में पिंग पोंग बॉल खेल रहे हैं। इसमें एक सख्त तबसरा भी करने से मैं एहतियात कर रहा हूँ हालात की वजह से, लेकिन हकीकत है कि ये वो पाकिस्तान हरगिज़ नहीं है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा और जिस पे अमल करके ये मुल्क बनाया। शर्मनाक हद तक हम अखलाकी पस्ती की गहराई तक पहुँच चुके हैं और इसमें सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं, अपोजिशन भी शामिल है, सारे लोग शामिल, यानी हम सियासी बदकिस्मती से सियासी फ़िक्र में और सियासी फ़लसफ़े में बतदरीज इतनी पस्ती पे चले गए कि अब हमारा शुमार युगंडा और इथियोपिया के साथ होता है, किसी महज़ब मुल्क के साथ नहीं होता। तो ये अब रहा मियां नवाज़ शरीफ साहब का मामला, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, मियां साहब के बारे में सबको पता है
कि दो बाई पास हो चुका है और वो अपनी यानी उनकी गैरहाजिरी में बेगम उनसे जुदा हो गई। और अगर आपको याद, आप ख़ुद मीडिया से बहुत पुराने आदमी, आपको याद होगा कि किस तरह उनकी बेगम की अलालत को पाकिस्तान में उछाला गया। हमें इससे बहस नहीं कि वो सही है या गलत है, हमें सिर्फ ये बहस है कि क्या हम इख्तलाफात में और दुश्मनी के दरमियान कोई फासला रख रहे हैं या नहीं। ये इस कदर ख़तरनाक अमल है कि इसमें कौमें, अहले फराइन हो, अहले नमरूद हो या तमाम लूत के ज़माने की बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़ी बड़ी और मौजूदा ज़माने में हमारे सामने मुअम्मर कज़ाफ़ी हैं, हमारे सामने अनवर सादात हैं, हमारे सामने सदाम हुसैन हैं, कि कैसी कैसी हस्तियां खाक में मिल गईं तकब्बुर, गुरूर और बेजाज़त की वजह से। देखिए बात यह है कि जब नवाज़ शरीफ साहब को इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया चार हफ्ते जाने के बाद, तो उसके बाद किसी किस्म की कोई रुकावट, और मुझे जहां तक याद पड़ता है बल्कि इमरान खान साहब और उनके लोगों ने कहा था कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बल्कि इमरान खान का एक बहुत अच्छा बयान था कि इस पर सियासत न की जाए। फिर अपनी पार्टी के लोगों को भी रोक दिया। हाँ, फिर अचानक पार्टी के दरमियान क्या चीज़ हुई और उसके बाद से बयानात भी बड़े रकीक और गंदे आने लगे, और फिर ये वक्त भी आया कि ईसीएल को बहाना बनाया गया। अजब बात सिर्फ इतनी सी है उसमें कि ये 7-7.5 अरब, ये हुकूमत ये चाहती है, शहबाज शरीफ को भी उन्होंने कन्विंस किया, हुकूमत ये चाहती है कि अगर वो 7-7.5 अरब की के बॉन्ड दे दें तो जब वो जाएंगे तो फिर उनकी एक कंपेन चलेगी कि देखिए साहब, मियाँ साहब चूंकि चोर हैं इसलिए ये पैसे दे के बाहर जा रहे हैं। अरे ये बात मियाँ साहब समझते हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि होगा क्या। देखिए बात ये है कि जब कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई कानूनी जवाब नहीं है जिससे वो उन्हें रोक सकें। ईसीएल कोई कुरानी सहीफा नहीं है जिसके लिए इतनी सख्ती की जाए, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कौन सा तकबुर है, वो कौन सा गुरूर है, वो कौन सी हुकूमत की इतनी बड़ी साख है। यानी मुआशी तौर पे हम बदहाली के शिकार हो चुके हैं। टमाटर आपके सामने टमाटर है, यानी अब तो उस पर मजाक बन रहा है कि भाई डॉलर महंगा या टमाटर महंगा है। डॉलर आसमान पे चला गया, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गया, इंपोर्ट जो आपने लोगों को दिखाने के लिए अपनी फिनंशियल कंडीशन को बेहतर बना लेकिन इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज तमाम तबाह हो रही हैं क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें नहीं, एक्सपोर्ट आपका ख़त्म हो चुका, और आपने एक बहुत खूबसूरत कंपेन झूठ पे रियासत मदीना और ये कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये दोनों कंपेन। अच्छा मैं चूंकि ज़ाहिर आप तो अभी ये उम्र नहीं मेरी तो हमने काफ़ी वक्त देखा है, ये अमूमन जो इदारों से इस किस्म की पॉलिसी आती है उसमें एक स्लोगन दिया जाता है, जैसे ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक के ज़माने में था, तो ये स्लोगन अच्छा बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ना होने की वजह से, तसलसल ना होने की वजह से लोग बिल्कुल सियासत से बेबहरा हैं। यानी मैं बिल्कुल यकीन तसलसल किस तनाजुर में नज़र आएगा, खान साहब एक तरफ मईशत के लिए कहते हैं कि मईशत की बेहतरी कर रहे हैं, दूसरी जानब वो सियासी लड़ाई भी लड़ते जा रहे हैं मुसलसल, लेकिन उनका जो ज़्यादा तवज्जो है सियासी लड़ाई की तरफ है। यही आपसे कह रहा हूं, देखिए बात यह है कि हुकूमत पूरी दुनिया में, अच्छा मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, बहुत कॉमन से मिसाल है कि पूरी सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल हुकूमत मुग़ल डायनेस्टी की है, और ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर और बहादुर शाह ज़फ़र तक, इसमें दो बड़े जो जिन्होंने तवील हुकूमत की है वो जलालुद्दीन अकबर हैं और मुहीद्दीन औरंगज़ेब हैं। अजय कमाल आप देखिए कि अकबर के ज़माने में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया इंडिया और बहुत तरक्की किया, क्योंकि उसने सबको आज़ादी दी और काम करो और करने दो, उसके अपने मजहबी एतकाद से हमें कोई लेना दे। औरंगज़ेब ने यही काम शुरू किया कि इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं, भाई को नहीं छोड़ेंगे, बेटे को नहीं छोड़ेंगे। तो खान साहब का ये वही किरदार है, बिल्कुल वही किरदार है। अच्छा होता क्या है कि सियासत में आपको बाज़वत एक आंख बंद रखनी पड़ती, क्योंकि आप दरोगा नहीं, आप थानेदार भी नहीं हैं, जो काम थानेदार का वो उसको करने दे, आपका काम है सिर्फ अफहाम व तफहीम। और अगर फ़र्ज़ कीजिए है भी कोई करप्ट आदमी, मैं मानता हूँ ज़ाहिर पाकिस्तान में वो क्या, यहाँ ग्रेड 12 का अफसर करोड़पति अरबपति, तो नवाज शरीफ तो खैर बहुत बड़े जरदारी, बहुत बड़े लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं अभी हुकूमत किस चीज़ का किरदार अदा करी, दरोगा का या अफाम तफीम से कोई मामला नहीं, दरोगा का किरदार अदा किया। और जो ख़तरनाक है, क्योंकि देखिए है क्या, वक्त का चक्कर अजीब व गरीब है, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको,
कल इसी जगह इमरान खान खड़े होंगे, बिल्कुल इसी जगह, और अब जब ये खड़े होंगे तो आप यकीन करें इनके साथ दो लोग भी नहीं होंगे। लोग इतने परेशान हैं, मुझे नहीं पता कि इनके एडवाइज़र कौन है। अक्सर मैं कहता हूँ 3F जो है ये इनके लिए ट्रायंगल बड़ा अजीब व गरीब है, यानी फिरदौस आशिक आवान है, फवाद चौधरी और फरोग नसीम साहब। ये 3F जो है, मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता उसके लिए, लेकिन ये 3F इनके लिए अजाब बना हुआ है। वो गलत सलत चीज़ें, गलत सलत, अरे भाई मियाँ साहब को अगर नहीं आना होता तो वो बीवी को छोड़ के नहीं आते। वो बड़ा खूबसूरत वक्त था, बच्चे चले गए थे वहाँ, वो भी चले जाते, अमेरिका में सेटल हो जाते, लंदन में सेटल हो, ऑस्ट्रेलिया में। आपका जनरल कियानी जो है पूरा एक शहर खरीद के ऑस्ट्रेलिया में सेटल, आप कुछ नहीं बिगाड़ सके उसका। तो नवाज शरीफ तो खैर बहुत बड़े आदमी, और उनके जनरल कियानी के साथ तो कोई आमदनी का जरिया भी नहीं था, इनके पास तो बिजनेस है 50 साल का दिखा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत होशमंदी से काम ले, थोड़ा सा रवैया नरम करे, और कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी दुश्मन को भी आप थोड़ा सा थोड़ी सी राहदारी दे। उर्दू का एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि कभी भी चोर दरवाज़ा बंद ना करें। सही मकसद, जैसे पूरी अपने लिए भी खुला रहा है। जैसे मैं आपको तो पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, तो आपने देखा कि ज्यादातर बिल्डिंग वन साइडेड बनती, तो आग लगती तो सब फंसते। पूरे यूरोप अमेरिका में बाई लॉ आप कोई बिल्डिंग बना ही नहीं सकते जब तक बैक साइड पे एग्जिट ना हो। मकसद उसका यही है ना। तो बात ये, हुकूमत में भी आप वो दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं जहां खुद उस आप तंग गली में फंसेंगे और आपके समझ में नहीं आएगा क्या होगा। मियां साहब जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान इतना बड़ा रिस्क ले रहे, पता नहीं किस जोन में है वो, कि अगर खुदा न खास्ता मियां साहब को कुछ हो जाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पंजाब में वो ये समझ रहे हैं कि शायद इसी रिएक्शन के ऊपर खान साहब ने कहा है कि हम छूट दे रहे हैं, आप जाएं बाहर। अगर खान साहब की हुकूमत में कुछ होता है नवाज शरीफ साहब को, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन, अवामी रिएक्शन को दिखा दे सकता है। बात यह है कि मियां साहब 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, लाहौर उनका गढ़ है, और उन्होंने बिला शुबा कतर नज़र इसके कि क्या किया या नहीं किया, लेकिन जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक़ है वो किसी भी हुकूमत से हर लिहाज से बेहतर उनका। तो अब अगर आप उसको, हो क्या रहा है कि आपने एक नारा लगाना शुरू किया कि करप्शन है, करप्शन है, तो सच कमाल ये कि एक करप्शन भी आप अभी तक, आपने देखा होगा FBI के चेयरमैन का है कि भाई कोई नहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कुछ भी अभी तक साबित नहीं हो पाया। अच्छा, तो भाई लेकिन इमरान खान एंड कंपनी की ये फिलोसफी है कि भाई अगर आप मुस्तकिल बोलते रहेंगे झूठ तो एक दिन सच हो ही जाए, इस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं। और इससे भी आपको बता, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, आपको अच्छी तरह पता है कि ये लोग जब हटे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और इन्होंने अपनी बनाई, मुस्लिम लीग अलग बना ली, और शदीद मुखालिफ क्योंकि ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके और शहबाज शरीफ भी चीफ मिनिस्टर, और दोनों में कॉमन क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया पंजाब के लिए। मैं यहाँ आपको रोकूंगा, इस पे काफ़ी बड़ी बात कह रही है। मैं जो कल के हालिफ थे आज हलीफ बने बैठे हैं, कल के हरीफ आज के हरीफ, इसी पे बात करेंगे कि हो गए क्या जो खान साहब के साथ अभी मौजूद हैं, क्या वो आगे मौजूद होंगे, और जो चोर दरवाज़ा है क्या वो अपने लिए शायद खुला छोड़ सकते हैं, इस पे बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। खुशामदीद कहते हैं लाइव विद खालिद फातमी प्रोग्राम में। बात चल रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी तबीयत और उनको बाहर जाने का जो मामला है, नामी सीएल से निकलना, लाहौर हाई कोर्ट में कल 11 बजे समाअत होगी, होगा क्या इस पे, और क्या जिस तरह से शर्त रखी गई है कि आप कुछ बॉन्ड हैं वो जमा करा दें, आइडेंटिटी बॉन्ड है वो जमा कराएं 7.5 अरब रुपये के, तो आपको इजाज़त देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाएगी इसमें कुछ बॉन्ड जमा कराने के लिए, इस पर बात करेंगे। खालिद साहब क्या लग रहा है आपको, क्या समझते हैं आप जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद कोई गुंजाइश है बॉन्ड की जमा करने की, कानूनी शिक कोई मौजूद है? नहीं, देखिए कानूनी तो पहले भी नहीं है। देखिए अव्वल तो खैर मैं उस पर, चूंकि मैं लॉयर नहीं हूँ तो इसमें उलझना नहीं चाहता। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ ECL जो है वो दूसरे टर्म में ही हो जाता है, एग्जिट के लिए नहीं, एंट्री के लिए होता है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर तो कोई मर्डर केस नहीं है, अगर कोई और गड़बड़ केस नहीं है, और अगर कोई आदमी मुल्क से जा रहा है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कहना जाने दो इसको, बला छटी, बिल्कुल आते वक्त रोक लेते हैं
क्योंकि विच इज़ वेरी इजी कि भाई आपने परमिशन, आप यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यानी आप खामोखा लोगों को एग्जिट लिस्ट पे डाल के नंबर बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो भाई वो अगर अजाब हैं तो उस अजाब, बिल्कुल इसकी और मिसाल बता दूं मैं कि पुराने ज़माने में खुद रसूल पाक सस्तम के ज़माने में शहर बदर किया जाता था। बिल्कुल, शहर कैद नहीं किया जाता, शहर बदर किया जाता था। कभी गौर कीजिए कितना फिलोसफिकल था, यानी शहर की, शहर मुकैद नहीं किया जाता था, शहर बदर कर दिया, कहना भाई जान छुड़ाओ इस कमबख से, गया है ना यही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप पता नहीं ये किस ज़माने में, शायद 2010 वगैरह में इसी हल का आया हो है चक्करबाजी। और ये सिवाय आपको, और आपको पता है अब तो हजारों आदमी के नाम ECL में, जिन बेचारों को पता भी नहीं है, एयरपोर्ट पहुंचे खान साहब आप तो ECL में, अच्छा क्यों है ये भी नहीं पता। अच्छा, अब आप पता है उसको हटवाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत दीजिए आप, तो ये अव्वल तो खैर मैं इसके बिल्कुल यूं ही खिलाफ हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं, लेकिन चलें ठीक है कानून है। सवाल ये है कि अगर तो कोर्ट ने उनसे प्रॉपर जमानत लेके दे दी थी इजाज़त, तो आप काहे के लिए रोक रहे थे? अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, पहले नैब के हवाले किया, नैब ने कहा जी, अच्छा क्योंकि ऑलरेडी सब तय था पहले से कि भाई तंग करना है। ये मेरा अपना ख्याल है कि ये सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए पर्सनली इमरान खान उनको टॉर्चर करना चाहते हैं, बस इसके अलावा कोई, अगर हकीकतन देखा जाए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, तो इसके अलावा कोई वजह नहीं। कि जो कीना है, जो अंदर नफरत है, मुझे नहीं पता क्यों है, वो नफरत का इजहार इमरान खान, क्योंकि देखिए मरीज को तो मैं नहीं समझता कि जालिम से जालिम आदमी भी, बल्कि इस पर मैं आपको एक और बता दूं कि वो जब अलेक्जेंडर से शिकस्त हुई पोरस की, बहुत मशहूर वाकया है, तो ज़ाहिर है कैद में आ गया बेचारा, तो अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि अब बताओ क्या करूं, अब तो तुम हार चुके, तो क्या सलूक करो, उसने कहा वही सलूक जो बादशाह बादशाह के साथ करता। अच्छा, और अलेक्जेंडर ने छोड़ दिया, उसने कहा भाई ये तो अजीब गरीब बात है, यानी आप देखिए वो शिकस्त है, और आपको पता है उस जमाने शिकस्त का मतलब कत्ल है। बिल्कुल। अच्छा, तो उसने कहा कि वही सलूक करें जो बादशाह बादशाह के साथ करें, हारना जीतना क्या। तो ये जो बादशाह बादशाह के साथ सलूक करता है ना, वो वाला यहाँ सलूक नहीं है, आप नहीं कर रहे ना। बिल्कुल, आप इंतकाम ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बादशाह तो शुरू से कहता रहा ना कि मैं किसी दूसरे बादशाह को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब इससे हो क्या रहा, बहस इससे भी नहीं है कि क्या नवाज शरीफ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि आपकी सियासत में जो आलूदगी आ रही है, जो आप डस्ट आ रहा है, जो गंदगी आ रही है, जो गलाजत आ रही है, जो आप अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, यानी जैसे कायदे आज़म का एक पैगाम था 20 साल चला, लियाकत का था, निश्तर का था, पुराने लोगों का था, इवन अयूब खां का था, वो बड़ा सॉफ्ट था, धीमा था, आप जनाब का था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ से आप जनाब हटा, तू तड़ाक आया, लेकिन फिर भी जरदारी और मियाँ साहब तक तू तड़ाक से आगे नहीं बढ़ा था। अब गालम गलोच पे है, बदतमीजी पे है, यानी मैं फेसबुक पे माजरत के साथ आपको रोकूंगा यहाँ, और इस पर मजीद बात करूंगा अभी आपसे कि अगर बाहर जाते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। कानूनी जो पेचीदगियां हैं इस तमाम मामले के अंदर काफी नजर आ रही हैं, कोर्ट फैसला देगा, और दूसरी जानब जो हुकूमती जो कानून के माहरीन हैं उन्होंने कुछ और कहा, फिर दूसरे उनके कानूनी माहरीन कुछ और कर रहे हैं, इस पे एक्चुअल चीज़ है क्या, बात करते हैं। हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद हैं फरीद अहमद डायो साहब, बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तमाम मामला आपने देखा, नवाज शरीफ साहब का कल 11 बजे हेयरिंग होने वाली है, समाअत होने वाली है, क्या देख रहे हैं आप, बाहर जाने को उनको मौका मिल जाएगा, और कानूनी कोई शिक ऐसी मौजूद है कि जो गारंटी देने की जरूरत पड़ सकती है जमानत होने के बाद, रिहाई होने के बाद भी? देखिए मेरी बात ये, मैं ये समझता हूँ कि मैटर अभी तो सब जुडिस से लाहौर हाई कोर्ट के में पेंडिंग है, तो इस पर ज्यादा आदमी खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी तहकीकिया जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने शर्त लगाई है 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी बॉन्ड वाली, और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की ये शर्त जो है वो कानून के बिल्कुल ही खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि इंसानी हमदर्दी के नाते अगर किसी की सेहत खराब है तो सेहत के नाते उनको इजाज़त देनी चाहिए, जो कोर्ट ने फैसला किया हुआ है उसी टाइम के दौरान उनको बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा कि हम अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं, फिर उन्होंने इसी वजह से फैसला किया होगा कि डायरेक्टली शायद वो रिक्यूज नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने 7 अरब रुपए की इंटीग्रिटी बॉन्ड की शर्त लगाई, जो कि ये गवर्नमेंट को भी पता होगा कि नवाज शरीफ साहब
सात तरफ उनके पास होंगे भी तो नहीं। ठीक है फरीद साहब, मेरा सवाल यही था कि शर्त लागू की गई, लेकिन शर्त किस बेस के ऊपर लागू की गई? जब शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि सजा तो मौतल है तो गारंटी का तो कोई जवाज ही नहीं बनता, जब गारंटी का जवाज नहीं बनता तो शर्त किस बेसिस पे लगाई गई? और जिस तरह से फारूक नसीम साहब ने लगाई, कानूनी माहिर है वो, बैरिस्टर है वो भी, जो उनको कानूनी तौर पे जमानत देनी थी वो कोर्ट ने फैसला दे दिया, और मेरे ख्याल में उनको जमानत के लिए बोला गया, केस रखवाया है या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने जमा करा दिए कोर्ट में, वो तब उसी जमा कराने के बाद में ही वो बेल पे आ गया, रहा हो गया, जेल से घर मुंतकल हो गया। लेकिन बाहर जाने की को हमारे तजुर्बे के मुताबिक ऐसी कोई कानून में गुंजाइश भी नहीं है, और ऐसी कोई कभी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने कोई भी ऐसी शर्त नहीं देखी जिसमें गवर्नमेंट अगर बाहर जाने की इजाज़त देती है तो शर्त लगाती है, और इनके पास एक ही रास्ता है कि या तो वो परमिशन दे दें या रिफ्यूज कर दें, किसी भी बात दो चीज़ें, तीसरी शर्त लगाने वाली गुंजाइश कोई गवर्नमेंट, ठीक है शर्त लगाने वाली गुंजाइश नहीं। दूसरी जानब आज कोर्ट ने हुकूमती मौकफ और जो उनकी ACL से नाम ना निकालने की जो बात है वो मुस्तरद कर दी थी, तो क्या मजीद क्या हुकूमत के पास कोई और पॉइंट रह जाता है कानूनी जो इस तमाम काम में रुकावट डाल सके? मेरे ख्याल में अभी अगर कोर्ट फैसला दे दे दिए तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है कि या तो उसके आर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दाखिल करें, या अगर टाइम नहीं मिलता या नहीं दाखिल कर सकते तो नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा, अगर हाईकोर्ट ने उनको फैसला दे दिया और ये कहा कि अपने फैसले में तारीफ किया कि ये इनकी शर्त जो थी एंटीबिलिटी बॉन्ड वाली ये कानून से इनहराफ ये नहीं लगा सकते, तो नेचुरल नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे इलाज के। ठीक है फरीद साहब, बात सवाल यही उठ रहा है जिस तरह के हुकूमत सवाल उठा रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं इलाज कराते हैं तो कोई तौसी का कोई गुंजाइश रह जाती है इसमें? जिस तरह से चार हफ्ते का कहा गया था कि चार हफ्ते की मोहलत दी जाएगी उनको, तो इसमें मजीद तौसी होगी? और अगर नवाज शरीफ साहब वापस इनकेस अगर नहीं आते हैं तो हुकूमत के पास क्या पॉइंट रह जाता है फिर? देखिए अगर नवाज शरीफ साहब जितने बाहर वहाँ या वहाँ जाने के बाद यहाँ जाने के बाद वहाँ से वापस नहीं आते, ये तो एक मफरूजे पे सवाल है ना कि ऐसा होगा तो यूँ हो जाएगा। अब हमें तो आने वाले घंटे के अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि हम एक घंटे के बाद जिंदा होंगे या नहीं होंगे, तो मफरूजे पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। मफरूजे अगर नहीं आते तो इनके पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अख्तियार आते हैं कि वो उनको बाहर से बुला भी सकते हैं, बुलवा भी सकते हैं। वो दूसरी बात ये है कि ये तो जाने के बाद पता पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब की कितनी सेहत सही है, अल्लाह ना करे उनको कितने टाइम के बाद वो स्टेबल होता है, कितने टाइम के बाद वो रिकवर करता है अपनी बीमारी। ठीक है बहुत शुक्रिया फरीद अहमद डायर साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना पास कोई जवाब नहीं रहता सिक्योरिटी बॉन्ड मांगने का। खालिद साहब क्या लग रहा है आपको जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ये तो बाहर जाने की बात हो रही है, ये तो क्या देख रहे हैं? लॉयर हैं और इन्होंने कहा ये बात, तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है लीगल, लेकिन चूंकि PTI के आने के बाद कोई चीज लीगल तो हो ही नहीं रही ना, तो इसलिए आप कुछ भी कोई नहीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने शुरू में कहा कि पहले ये तासुर दिया हुकूमत ने कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं अगर कोर्ट जा रहा तो, फिर एकदम अचानक ये रुकावटें लगाई, तो बहुत मुमकिन है कि इसके लिए कोई और नया प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले आए, कुछ भी ले आए, मतलब कुछ भी क्योंकि देखिए मसला इस वक्त ना सियासी है ना सेहत का है, मसला है बिल्कुल ज़ाती दुश्मनी का। अब आप जैसे अब उन्होंने कहा ना कि बेटे को ला दें, अब ये अहमकाना गुफ्तगू जिस किसी ने की वो अभी तक ट्राइबल एज में जिंदा है कि जी चूंकि आपने मेरे चचा को मारा था तो अब इसके जवाब में आप अपने बेटे को छोड़ जाएं ताकि जब तक आप वापस आए, अगर नहीं आए तो बेटे को मार। यानी अगर तो 2019 में पाकिस्तान में हुकूमत की पार्टी का कोई याद कोई भी बयान, अभी आपने कहा था कि किसी बिल्कुल, बेटे दे रहा, तो आप सिर्फ उसकी जहनी पस्ती पे मातम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों को आगे लाए। यानी वी आर स्टिल लिविंग इन अ ट्राइबल एज। कहने साहब आपने मेरे अब्बा को गाली दी थी तो आप जा रहे हैं तो बेटे को छोड़ जाइए मेरा, अरे बेटे से उसका क्या लेना, बेटा का अपना केस है, बुला उसको अरेस्ट करा लीजिए, बुला लीजिए,
स्कॉटलैंड से बुलवा लीजिए, जो जी चाहे कीजिए, लेकिन देखिए है क्या, जब बालिग आप हो जाते हैं तो किसी के गुनाह पे, किसी के सवाब और किसी की अच्छाई बुराई पे हरगिज़ दूसरा आदमी जिम्मेदार, यानी मियाँ साहब का करप्शन इज़ मियाँ साहब का करप्शन, बे उसका मरियम का मरियम, यानी अब ये कोई बच्चे थोड़ी है 5 साल के, कहने साहब वो अब्बा ने कहा था तो बच्चे को पकड़ लाओ, हुसैन को पकड़ लाओ, हसन को पकड़ लाओ, क्यों भाई? लेकिन खान साहब जो दीगर लोग बैठे हैं वो भी तो बच्चे नहीं है, वो भी तो कुछ देख के अगर जुमलेबाजी कर रहे हैं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं देख के, नहीं देखिए ये आप यूं कहिए कि देखिए इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार मना किया कुरान शरीफ में कि तो बहुत सारी चीजों में बिल्कुल नहीं मानता, किसी चीज में आप ले आइए, दो मिसाल आपको नहीं मिलेगी, झूठ हम बोलते हैं, दगा हम देते हैं कारोबार में, आप ये इसी पे बात करेंगे नवाज शरीफ साहब, अगर पैसे दे देते हैं, अगर दे देते हैं तो क्या होगा उनके साथ, बाहर जाएंगे वापस आएंगे नहीं आएंगे, और अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वजूहत कैसे भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हुआ उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे लाइव विद खालिद फातमी प्रोग्राम में, बात चल रही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, 4 हफ्तों के लिए उनको बाहर जाने की मोहलत दी जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट में जा चुका है मामला, उन्होंने काबिल समात इस दरख्वास्त को कर दिया है और कल 11 बजे उसकी समात होगी। अब आया देखना यह है कि किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और हुकूमत इसको किस तरह से रोकने में कामयाब हो जाएगी, या जिस तरह से वो गारंटी बॉन्ड्स मांग रही है क्या उसकी कोई कानूनी पेचीदगी मौजूद है, मजीद हुकूमत और कोर्ट मिलकर किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, कल 11 बजे की हेयरिंग इसका फैसला करती हुई दिखाई देगी। अभी चलेंगे मौलाना साहब की तरफ, जिस तरह से उन्होंने धरना दिया, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करके बैठे, वो एक ग्राउंड को मुख्तस कर दिया, जलसा किया वहाँ 13-14 दिन वहाँ उन्होंने गुजारे, उसके बाद प्लान ए उन्होंने वहाँ रुक दिया, प्लान बी की तरफ अब आगे बढ़े हैं वो, पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ रूट्स हैं जो उन्होंने बंद कर दिए हैं और कराची में भी हब रिवर रोड की तरफ वो पहुँच चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानब मौलाना साहब ने ये बात सामने रखी है कि रात के वक्त जो रोड हैं वो खोल दिए जाएंगे, धरना या एहतजाज सिर्फ दिन के वक्त होगा, शाम के वक्त ये नहीं होगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, होगा क्या मौलाना साहब प्लान सी की तरफ कब आगे बढ़ेंगे, क्या उनका प्लान सी होगा, इसी भी बात करेंगे। खालिद साहब क्या लग रहा है आपको, मौलाना साहब कामयाब हुए थे 13 दिन इस्लामाबाद में, आपने देखा? मौलाना कामयाब हो गए इस हवाले से कि वो अपने काम के लिए गए थे वो हो गया, लेकिन कौम का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, मौलाना का ये धरना बिल्कुल फ्लॉप हो गया और इसने सही मानों में जमहूरियत, सियासत और अपोजिशन तीनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौलाना पे लोगों को पहले भी थोड़ा सा ट्रस्ट कम था क्योंकि मौलाना के बारे में देखिए, मौलाना बहुत ही जीरक और बहुत मुदब्बिर और बहुत पुराने घाघ सियासतदान हैं, और मैंने शायद पहले प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना कच्ची ज़मीन पर पैर रखते ही नहीं कभी, तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं से उनके पीठ पे, यानी आप समझिए बॉम्ब प्रूफ कोई जैकेट ज़रूर रही होगी सियासत की, लेकिन जो उन्होंने शुरू में तासुर दिया उससे बहुत सारे लोग गड़बड़ा गए और पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार मौलाना का अंदाज़ अलग है, इस बार वजारत या कोई ऐसी चीज़ का चक्कर नहीं बल्कि सच में संजीदा है, और इसी हवाले से मुस्लिम लीग और PPP भी शामिल हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग और PPP उनसे इतनी अच्छी तरह वाकिफ है कि शामिल होने के बावजूद उन्होंने फासला रखा अपनी जगह, उनको पता था किसी वक्त भी मौलाना पलट जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे वहाँ। अच्छा, मौलाना ने बहुत डिसिप्लिन किया सब कुछ, लेकिन मौलाना बिलाशुबह जवाबदेह हैं पूरी कौम को कि अगर तो उनको प्लान बी ही पे जाना था तो प्लान ए में उन्होंने क्यों कहा था कि उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, एक नहीं 10 बार कहा उन्होंने, तो ये क्या वो कौम से गलत कह रहे थे या मजबूरी थी? दूसरी बात यह है कि जब वो प्लान ए में, जहां पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बहुत बड़ा मजमा और बहुत डिसिप्लिन मजमा जमा करने में वो कामयाब हुए, उसके बाद इस प्लान बी की कोई हैसियत ही नहीं, ये तो आप समझिए हर महल्ले के कोने पे चाट की दुकान खुली है, वो शाम में चले जाएंगे सुबह में आ जाएंगे, मतलब कोई आपने समोसे की दुकान चलाई हुई भाई। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि जो भी मौलाना की डिमांड रही होगी, और खबरें ये भी है कि मुख्तदर हलकों के लोग इनसे मिलते भी रहे, आप क्या समझ रहे हैं मौलाना साहब की जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं?
नहीं, देखिए हुकूमत को तो पता चल गया। देखिए बात ये, जो लोग उनसे डील करना जानते थे उन्होंने डील कर लिया, और मौलाना का वजन और उनकी जो कैनवस का साइज था वो भी उनको पता था। भाई देखिए, मौलाना के वालिद अयूब खां के ज़माने में मुफ्ती महमूद बहुत बड़े लीडर थे, फिर मौलाना को पूरी ट्रेनिंग मिली जब 9 सितारों का भुट्टो साहब के ज़माने हुआ, उसमें भी मुफ्ती महमूद बहुत एक्टिव थे। तो मौलाना के पास एक चीज़ थी कि ये पावरलेस नहीं रह सकते हैं। अच्छा, दूसरे देखिए, कभी गौर कीजिए कि मौलाना के अखराज इसी का गुस्सा है, इसी का गुस्सा है, पावरलेस नहीं रह सकते। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं देखिए, फिर मदरसों का की पॉलिसी, मदरसों के अखराज, मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को अब ये चाहिए कि ये केस फाइल करे कि मौलाना जो ये 13 दिन रहे, इसके अखराजात कहाँ से आए उनके पास? 13 दिन, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख आदमी, 50,000 आदमी को खिलाना आपके लिए अजाब है, तो ये आया कहाँ? क्योंकि मौलाना ने, और ये मौलाना से कौम पूछेगी कि अगर तो आपको यही करना था तो आपने ये झांसे वासे क्यों दिए भाई हमको? मुझे सारी तकारीर उनकी याद है कि कभी नहीं जाएंगे हम, और जब तक मैं इस्तीफा नहीं आ जाएगा, और जब तक सब खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं, आपने क्या देखा, क्या प्लान उनका कामयाब हुआ था? प्लान ए नहीं, जिस वजह से वो हटे, या कोई बैकअप उनके पास मौजूद था ऐसा, जो पीछे से ऐसा हाथ आया, जिस तरह से आपने कहा सियासी ब्लड प्रूफ उनके पास मौजूद था? कामयाब और नाकाम का तो दो है ना। जैसे मियां साहब हैं, अब जो बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये क्या मुल्क के लिए कामयाबी या नाकामी होता है ना, पूछते हैं। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान का अगर ज़ाती अंदाज से देखा जाए तो ये दौरा बड़ा कामयाब था। जो समेटना चाहते थे उन्होंने समेट लिया होगा, जो जाहिर है आज नहीं 10 साल बाद पता चल जाएगा। लेकिन कौमी लिहाज से जो उन्होंने सियासत को नुकसान पहुंचाया, जो डैमेज किया है, और जो अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुंचाया, मैं नहीं समझता कि हाँ वो सिर्फ उसमें थोड़ा सा मरहम इसलिए लग जाएगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत खुद इतनी कमज़ोर है कि मौका मिला हुआ अपोजिशन को। सही मानों में इस वक्त जो अपोजिशन की सारी मूवमेंट है वो इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर हैं, इसलिए भी नहीं कि बहुत मुनज़्ज़म है, वो इसलिए कि ये लोग ताकतवर और मुनज़्ज़म नहीं हैं, और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि जनाब हमारे पास तो पीछे ताकत है जिस पे हम हुकूमत करते हैं, एम्पायर की उंगली पे, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना दिमाग, ना काम, ना धंधा। तो इससे फ़ायदा, इसलिए शायद अपोजिशन की जान बच जाए, वरना मौलाना की अपोजिशन, सिर्फ अपोजिशन की या सिर्फ मौलाना साहब की जान बच जाए? नहीं, अपोजिशन लीग, पीपल्स पार्टी, अलग-अलग तितर-बितर नजर आते हैं। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए जान बच जाए कि उन पर कोई एक्शन, मौलाना ने जो काम करना था कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक के गिफ्ट वगैरह समेट के निकल गए। तो इसलिए मतलब अब जैसे प्लान बी उन्होंने आगाज कर दिया, नहीं, है, नहीं, शाराएं बंद हो रही है, तो प्लान ए की नाकामी नजर आती है। देखिए, ये भी मेरा ख्याल है, अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बेइज्जती बहुत होगी, बारात लेके जा रहा हूँ, रास्ते पर लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा कि जी गए थे शादी करने तो शादी क्यों नहीं, तो बरात, तो अब रास्ते में मैं 3-4 जगह रुक जाऊंगा, कहीं चाय पीऊंगा, कहीं कुछ करूंगा, कहीं रुकूंगा, ताकि लगे कि नहीं कोई ऐसा चक्कर। मौलाना ये बी वगैरह सब बिल्कुल बेकार है, कोई सरपैर इसका नहीं है, ये सिर्फ अवाम को मज़ीद बेवकूफ़, लेकिन अवाम को भी अंदाज़ा हो गया, अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी अंदाज़ा हो गया, बिल्कुल वो अलग हो गए। और मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल और मियां साहब ये ऑलरेडी भांप चुके थे कि मामला मौलाना खड़े नहीं रह सकेंगे, जब मौलाना कुछ चीज़ें नज़र आने लगेंगी, यानी जन्नती मनाजिर जब नज़र आएंगे तो वो फिर भूल जाएंगे सारी चीज़ें, और वही हुआ, भूल गए वो, क्योंकि अच्छा। और इसमें तमाम वो प्लान बी में क्या नज़र आएगा उन्हें अभी? नहीं, प्लान बी चल रहा है, प्लान बी पार्टी है, हम नहीं इनके साथ, प्लान बी देखिए साथ नहीं, नहीं नहीं देखिए, प्लान बी सिरे से कोई चीज़ है ही नहीं, प्लान बी फेस सेविंग है कि यार मैं जा रहा हूँ, बेइज्जती ना हो तो मैं बीच बीच में रुकता हुआ जा रहा हूँ, मतलब एकदम डायरेक्ट घर चले जाऊँगा तो लोग बड़ी मट्टी, घर वाले भी मारेंगे, महल्ले वाले कि भाई ऐसे ही गए थे आ गए, लेके तो उसको कवर अप करने के लिए 2-3 महीने सब खेल। बाकी द होल जो ड्रामा था इट वॉज कम्प्लीटली फ्लॉप्ड। ठीक है, मौजूदा हुकूमत के लिए प्लान बी कितना परेशान साबित हो रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी जिस तरह बिल्कुल नहीं, प्लान ए में कुछ परेशानी नजर आई थी, बयान आ गया कि मौलाना के बारे में कि कुछ भी नहीं भाई, कोई ऐसा। देखिए अब एक बात ये बताइए कि जब आप 2 लाख आदमी या 1 लाख या 50,000 मजमा, इस्लामाबाद बड़ा सेंसिटिव शहर है भाई, पूरे मुल्क का कैपिटल है, सारी एम्बेसीज वही हैं, फौजी छावनी 2 कदम पे मौजूद है, मुल्क का सारा दारोमदार, वो जब आप ब्लॉक करेंगे, जब ही लोग परेशान होंगे ना, वो छोड़ दिया आपने, अब आप ये कह रहे हैं कि आपके घर से हमने मुहासरा हटा के हमने कहा मोहल्ले के मैं कोने पे खड़ा हुआ, आइएगा मत उधर, आपने कहा नहीं आएंगे भाई, तुम जाओ खड़े रहो वहाँ, बिल्कुल हाँ। तो मौलाना का भाई आल है, हुकूमत करीबे जहाँ पे सारे नुक्कड़ पे खड़े रहो, हमारा क्या जाता है, पुलिस खुद निपट लेगी,
अच्छा वो भी मौलाना ने, देखिए मौलाना भी बहुत ज़हीन आदमी, उन्होंने कहा जी रात को नहीं होगा, दिन को नहीं होगा, फिर दिन को मतलब रात को हम लोग जाके सो जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह को आके थोड़ी सी हाजिरी लगा देंगे ताकि ये रहे कि भाई हम बिल्कुल पीछे। ये चीज पीपल्स पार्टी को पहले से पता थी, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा था अगर जिस तरह से मौलाना साहब नाकाम होते हैं तो हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं अब इस पोजीशन पे भी नहीं रहेंगे, तो पीपल्स पार्टी को पहले से पता थी? नहीं, पीपल्स पार्टी को पता का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं उनको ये अंदाजा था कि मौलाना किसी वक्त भी इमरान खान से बड़ा यू टर्न ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट करने में भी ख्याल रखा था, अपने लोग नहीं दिए थे इनको, और सिर्फ एक दिन आके तकरीर कर दिया था दो तीन लोगों, हाँ तो उन्होंने कहा भाई वो इनॉग्रल है, वलीमे की दावत है, तो इसमें दो चार तकरीर कर दो दूल्हा वुल्हा के बारे में, ख़त्म हो गए। इससे अलावा बिल्कुल अलर्ट थे वो। अच्छा, क्योंकि अगर देखिए है क्या, अगर तो सच में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग भी आ जाते, 10,000 आ जाते, इस वक्त अजाब बन जाता, क्योंकि जब मौलाना बैकआउट करते वो कहते जी हम कहाँ जाएँ, तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता। तो मेरा ख्याल इसी तरह से एएनपी पहुंची थी, असवंद यार वली साहब पहुंचे थे, असवंद यार के हम पहुंच गए हैं, आपने बताया नहीं पहले से, वो बेचारे पहुंच गए। अच्छा, मेरा ख्याल वो चूंकि दे है क्या कि दरून खाना कहीं ना कहीं से तो चीज़ें मिल जाती ना, पख्तूनख्वा का ताल्लुक है दोनों से, लेफ्ट और राइट है, लेकिन तो हो सकता है मौलाना ने उनसे भी कहा होगा कि ज़्यादा शोर ना मचाओ, मतलब ठीक अच्छा, मतलब साल भर का खाना पीना मिल गया, अभी चलते हैं घर, फिर देखेंगे अगले साल, अभी इमरान रहेगा ना रहेगा, ये लोग ये भुगतते रहेंगे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। लेकिन हकीकत यह है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होगी तो आपको पता चलेगा कि मौलाना को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा, इस तरह जान छोड़ा के नहीं जा सकेंगे, और बहुत मुमकिन है कि मौलाना का जो इमेज सियासी था वो फॉर ऑल टाइम डैमेज हो जाए। ऑल टाइम डैमेज हो चुका है, लेकिन जिस तरह से मौलाना साहब अभी भी स्टैंड लिए खड़े हैं, मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको JUIFA का, सियासी महाज के ऊपर मौलाना साहब का क्या? देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तो चूंकि इमरान खान काम नहीं कर रहे ना, तो इन्हीं चक्करों में लगे हैं, किसको मारो, किसकी टांग तोड़ दें, किसका हाथ तोड़ दें, इन चक्करों में लगे, तो वरना अगर वो काम करें तो पख्तूनख्वा में दोबारा वो अपने पख्तूनख्वा में बड़ी मुखालफत इस वक्त PTI की, हाथ पैर खास के मेट्रो के हवाले से, करप्शन के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से, अलीमा खान के हवाले से, बड़े ज़ाहिर है लोग ज़ुबान तो आप नहीं रोक सकते, लोग बिल्कुल नहीं रोक सकते। बहुत मुमकिन है कि ANP अपनी जगह दोबारा बना ले, क्योंकि ANP को ये फ़ायदा है कि वो वहाँ कह सकते कि जी हमने तो इनका साथ दिया था, अब ये भाग गए, हम क्या करें भाई, तो बहुत मुमकिन, क्योंकि देखिए पख्तूनख्वा की अपनी एक पॉलिटिक्स है, जैसे सिंध की है कि सिंध में आप लाख गाली दें, जुल्फ़ार भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के चक्कर में पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है, आप बुरा भला कहते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करे ना करे, कुत्ते काटे से मर जाए लोग उनकी बला से, मतलब अपनी रिवायत बरकरार रखी हुई उन्होंने, जिस तरह यही पहले वैसे भी पख्तूनख्वा में वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आदमी उनका होना चाहिए, तो वो उस जो लोकल पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि स्विच करने में कोई, इमरान खान फिर भी पक्का उनका नहीं, बाहर का है, लेकिन असफंदियार और मौलाना तो दोनों वहीं के हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये शिफ्ट कर जाए पावर राइट से लेफ्ट की तरफ चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद फातमी साहब आपका प्रोग्राम में शेयर किया, और जिस तरह से अभी मौलाना साहब बैठे हुए हैं प्लान बी के साथ, उनका क्या प्लान बी, प्लान ए की नाकामी के तस्वर में देखा जा रहा है, और प्लान बी भी अगर उनका नाकाम होता है तो प्लान सी किस तनाजुर में जाएगा, और हुकूमत क्या इस तमाम चीज़ों को टैकल करने में, और क्या इस प्लान बी से वो प्रेशर में आती हुई दिखाई देगी, और जिस तरह से मौलाना साहब के जो मुतालबात थे, इस्तीफे का मुतालबा और दीगर काबीना के हवाले से, तमाम लोग इस्तीफा दे के जाएँ, मौलाना साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस्तीफा दें, होगा क्या इस पर आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।